गाइस, वेलकम टू टेक्नो न्यूज चैनल। तो हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे न्यूज के बारे में। और पहला न्यूज जो है वो रेडमी 9C के बारे में। तो रेडमी 9C जो है चाइना में लॉन्च होने वाला है और इसका जो ग्लोबली भी लॉन्च होगा। और इसके जो स्पेसिफिकेशन है कुछ इस प्रकार है। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 6.53 इंच का HD+ डिस्प्ले होने वाला है। और इसके कैमरे की बात करें तो इसमें 5 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा होने वाला है। और बैक कैमरे की बात करें तो 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा और 2 मेगापिक्सल माइक्रो और 2 मेगापिक्सल डेप्थ कैमरा होने वाला है। इसके प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का G35 चिपसेट लगा हुआ है। और इसमें स्टोरेज टाइप जो दिया गया है वो eMMC 5.1 दिया गया है। बैटरी की बात करें तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि MIUI 12 पे बेस्ड है। और इसमें 10 वाट का चार्जर भी दिया गया है। बात करते हैं दूसरे न्यूज के बारे में। जो दूसरा न्यूज है वो रेडमी K40 गेमिंग एडिशन के बारे में है, जो जिसका नया कलर वेरिएंट निकल के आ गया है ग्लोबल मार्केट में। ये इसका नया कलर वेरिएंट ग्लोबल मार्केट में लॉन्च होगा, इनवर्स स्केल कलर। न्यूज है वो है एक्सबॉक्स स्ट्रीम के बारे में। तो उसमें जो है उसका एक्सबॉक्स का लीक निकल के आ रहा है कि उसमें कुछ जो है चीज़ें कैसी स्पेसिफिकेशन होने, कैसा उसका फीचर होने वाला है। जो रेंडर है उसका लीक हो चुका है, मॉडल कैसा होगा एक्सबॉक्स का जो आने वाला है एक्स सीरीज और एस सीरीज। बढ़ते हैं अगले न्यूज की तरफ। तो अगला न्यूज होने वाला है इन्फिनिक्स 5A के बारे में। तो इन्फिनिक्स 5A होने वाला है, उसमें जो स्पेसिफिकेशन होने वाला कमाल का होने वाली। ये फ़ोन 2 अगस्त को फ्लिपकार्ट पे सेल के लिए जा रहा है। तो बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो जो इसमें 6.52 HD+ IPS LCD स्क्रीन दिया गया है। और बात करें बैटरी के तो इसमें 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जो कि पूरे दिन चलने के आसार हैं इस बैटरी के। इसका 3 कलर वेरियंट होगा और इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक भी दिया गया है। तो अगला न्यूज होने वाला है वो टेक्नो पोवा 2 के बारे में होने वाला है। भी अमेजोन पे 2 अगस्त को सेल पे होने वाला है। ये भी लॉन्च होगा अमेजोन के ऊपर और इसके कुछ स्पेसिफिकेशन जो है वो लीक हुए हो चुके हैं। तो कल पता चल जाएगा कि कौन कौन सा स्पेसिफिकेशन इसके साथ होने वाला है। इसमें जो प्रोसेसर होने वाला है वो G85 प्रोसेसर होगा और रियर कैमरा इसमें 48 MP का होगा। बात करें बैटरी की तो इसमें 7000 mAh की बड़ी बैटरी दी गई है। नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज जो है रेडमी बुक के बारे में होने वाला है, जो कि 3 अगस्त को लॉन्च होने वाला है चाइना में और इंडिया में भी लॉन्च हो। तो जो इसके स्पेसिफिकेशन अभी तक जो पता चला है वो 65 वाट का चार्जिंग होगा और इंटेल 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ आने वाला है। न्यूज की तरफ। तो जो नेक्स्ट न्यूज होने वाला है वो रियलमी मैकडॉट और रियलमी फ्लैश के बारे में होने वाला है, जो कि 3 अगस्त को इसका अनरिवील होगा। क्या क्या होगा ये चाइना में पता चलेगा, तो उसको सब ग्लोबली भी लॉन्च होगा। देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं मैकडॉट और रियलमी फ्लैश के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। तो नेक्स्ट न्यूज होने वाला है IQ8 सीरीज के बारे में, जो कि 4 अगस्त को चाइना में इसका रिवील होगा, लॉन्च होगा और फिर उसके बाद ये ग्लोबली और इंडिया में भी आएगा। तो इसके जो जो अभी तक स्पेसिफिकेशन पता चला है तो वो स्नैपड्रैगन 888+ के साथ आ सकता है इन इंडिया। तो देखते हैं क्या क्या नेक्स्ट न्यूज की तरफ। उनके बाद जो नेक्स्ट न्यूज होने वाला है वो सैमसंग गैलेक्सी बर्ड्स 2 के बारे में होने वाला है। इसके कुछ स्पेसिफिकेशन इसके जो प्राइस है वो यूरोपियन प्राइस वो लीक हो चुका है। का यूरोपियन प्राइस होने वाला है वो 172.9 यूरो डॉलर होने वाला है। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज के बारे में। नेक्स्ट न्यूज होने वाला है वो OnePlus के लिए होने वाला है। जो नेक्स्ट न्यूज होने वाला है वो OnePlus के बारे में होने वाला है। 6 और 6T जो पुराने मॉडल थे उसके ऑपरेटिंग सिस्टम जो थे ऑक्सीजन OS 11 और OpenBeta 2 का, तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट जो है रोल आउट करना चालू हो गया। ऑक्सीजन OS 11 OpenBeta 2 जो सॉफ्टवेयर है वो रोल आउट करना चालू हो गया, अपडेट के लिए आने लगा है। अगर आपको अपडेट नहीं मिल रहा है तो वेट करिए, वो आपको जल्दी मिल जाएगा। तो हमारे चैनल पर दिए गए कंटेंट अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहें नेक्स्ट न्यूज के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।